भाई जंगल कितना खतरनाक। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई बच गया मैं। वही तो कारण था, वही पकड़ लेता भाई। यार ये तो बहुत बेकार चीज यार, इसमें टाइम ना खत्म हो गया तो कहीं भी उतर जाए। ओ कहाँ खाई है यहाँ पे भाई। यहाँ पे मत उतर, यहाँ पे मत उतर भाई। ये तो मैं गया है, फिर ये गया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो ऑफ आर्क सर्वाइवल। और यार लास्ट एपिसोड में मैंने अपना बेस कुछ इतना कंप्लीट कर लिया था, साथ में यार मैंने दो डायनासोर अब तक टेम करे हैं। एक तो अपना ट्रायसेराटॉप्स है जो कि लेवल 61 का हो चुका है, और मैं इधर भी दिखाया था यार बेस में इतना कुछ काम हो गया था। और यार फर्स्ट फ्लोर भी बन चुका है यहाँ पे, देखो यार। ये रहा वो डायनासोर जो कि मैंने लास्ट एपिसोड में टेम करा था, इसका नाम है टेरानोडॉन। और भाई इसको राइड करने के लिए भी सेडल चाहिए जो कि मेरा खुलने वाला है जस्ट। लेवल 35 पे हूँ मैं भी, और लेवल 38 पे इसका सेडल खुल जाएगा। तो इसका नाम मैंने MiG-29 रख दिया था। तो यार ये तो इतना बेस का काम हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ना आसपास कुछ मुझे रिसोर्स वगैरह इकट्ठे करने पड़ेंगे, ताकि यार मेरा ना लेवल अप हो थोड़ा सा। उसके बाद मैं यार इसको उड़ने वाले डायनासोर का सेडल बना के इसको लेके जाने वाला हूँ भाई इस तरफ मेटल ढूंढने। और अगर कोई डायनासोर मिल गया रास्ते में अच्छा सा। और यार रेप्टर और सार्को का भी सेडल खुल चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ अगर रास्ते में कहीं पे भी सार्को या फिर रेप्टर मिल गया तो मैं टेम कर लूँ। वैसे रेप्टर काफी मुश्किल होता है, इसको पानी चाहिए। ओ भाई ये उड़ने वाली चिड़िया घूम रही यार, इसको मुझे मारना पड़ेगा। रुक जाओ एक मिनट भाई, ये ना सामान लेके भाग जाती है। पिछले एपिसोड में बहुत परेशान करा था इसने। मैं एक बार ना तीर बना लेता हूँ। यार एरोज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए था एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे चाहिए यार थैश, साथ ही मैंने अपनी पिकेक्स जो है ना वो मेटल की कर ली है, और एक्स भी मैंने मेटल की कर ली है। तो अब देखो ज्यादा सामान मिलता है। 33 वुड भाई, कुछ ज्यादा ही सामान मिल रहा है सही में। एक मिनट इससे देखता हूँ मैं थैश कितना मिल रहा है। 19 थैश भाई एक बार में मिल जा रहा है, काफी सही हो गया ये भी। तो अब मैं कुछ एरोज बना लेता हूँ। 41 एरो बन रहे हैं, ठीक है। और ये टेम होने वाला है, और ये भाई मैंने लेवल 40 का पकड़ा है। और टेम होने के बाद इसमें 19 लेवल और बढ़ेगा, तो लगा लो 59 के आसपास का लेवल हो जाएगा। बस एक बार इसका सेडल खुल जाए, मुझे उड़ा के देखना है इसमें डायनासोर। डायनासोर का भाई मजा अलग है। और भाई मैंने ना सेफ्टी के लिए पैराशूट पहले ही बना लिया है, देखो पैराशूट। अब ये नहीं पता मुझे एक्टिवेट कैसे होता है, पर अगर मैं जैसे गलती से गिर गया ना डायनासोर से उड़ने वाले, फिर कहीं हाइट से गिर गया, तो मैं इसे यूज करूंगा। और मुझे यार ये ड्रॉप हंट भी करने हैं, जो जितने ड्रॉप्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, तक मैंने 2-3 ही ड्रॉप लिए हैं। अरे हो जा भाई टेम, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसे। ओ भाई इसकी टॉर्पिडिटी खत्म होने वाली थी, बच गया यार। मैंने शायद टेमिंग स्पीड बढ़ाई नहीं किया, क्योंकि भाई 94% बहुत देर में हुआ है यार। इतनी देर तक ना इनको बचाना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे और डायनासोर भी अटैक करते हैं ना भाई। इधर मत आ, मर गया ना बिना बात। अरे इनसे कुछ मिलता नहीं, बेकार है यार। हो जा जल्दी टेम, इसे लेके चलूँ फिर मैं उधर। फिर अपना दूसरा टेराडॉन भी हो चुका है रेडी, कहना रखते हैं भाई तेजस। तो जितने भाई फाइटर जेट के ऊपर मैं नाम रख रहा हूँ, मुझे और कोई नाम याद नहीं आ रहे थे अभी। तो एक MiG-29 है, और ये दूसरा भाई अपना तेजस। इसका बेस पे लेके चलता हूँ मैं, यहाँ पे मरवर जाएगा। इसका लेवल कितना हो गया, लेवल 58 भाई, मजा आ गया इसमें। और इसमें ना मैं जितने भी पॉइंट्स होंगे ना उड़ने वाले में, ज्यादातर मैं लगाने वाला हूँ भाई वेट में, क्योंकि इससे मुझे ना सामान भाई लेके आना है काफी ढूंढ के। और साथ में जो अपना बेस है ना, उसमें जो फर्स्ट फ्लोर मैंने बनाया है, उसकी भाई छत बनानी है, फिर उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसमें जो छोटी मोटी चीजें वो बाद में करूंगा मैं। उसके बाद मैं भाई एक्सप्लोर करने वाला हूँ पूरा। एक बार बस सेडल खुल जाए इसका, तो मैं एक्सप्लोरेशन पे निकल जाऊँ भाई। इसको मैं इधर कर देता हूँ पार्क ऊपर। तो आ जा भाई तू ऊपर, इधर रुक जा, क्योंकि यार मेटल की इतनी कमी है ना मेरा भाई। मैं दिखाता हूँ, गन खुल चुकी है भाई, राइफल खुल चुकी है, पर वो बन नहीं पा रही, क्योंकि यार उसके लिए मेटल चाहिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज। और कुछ चीजों के लिए क्रिस्टल भी चाहिए, वो भी मुझे ढूंढना पड़ता। भाई उतर के नहीं रहे, तो मैं उतार देता हूँ, स्टॉप ऑल करता हूँ। अबे नीचे क्यों उतर गए, चलो कोई बात नहीं, एक यहाँ पे है। तो इतने भाई मैं थोड़ा सा बेस का काम कर लेता हूँ कंप्लीट। अरे इसको मछलियाँ देनी पड़ेंगी। इसको मैं सोच रहा हूँ कि ना तो ना मैंने वेंडरिंग पे कर दिया है भाई, अब ये घूम के ना यहाँ पे। यार ये उधर कहाँ जा रहा है घूमने, रुक जाए यहीं पे। यार इसके लिए ना मछलियाँ चाहिए अभी, और इसका सेडल तो है नहीं कि मैं इसको लेके चला जाऊँ, तो मुझे मछलियाँ मारनी पड़ेंगी। ये आ गई, तो पानी में नहीं चलती है, भाग गई। आ जा वापिस आ जा, पानी में मैं तीर नहीं चला सकता, ये तो गलत बात है यार। मरेगा क्या, हाँ तो मरे गई। मुझे लेवल अप करना है जल्दी, तो मुझे इन्हें मारना ही पड़ेगा। कहाँ गिर गई इसकी लाश। अरे इन्हें मार के थोड़ा बहुत लेवल बढ़े तो सही है, इसे मारता हूँ मैं। वो दो तीर में मर गए, तो बड़ा कमजोर लेग पीस है भाई ये तो। यार कैसे लेवल बढ़ाया जाए, एक काम करता हूँ थोड़ा ना रिसोर्स वगैरह इकट्ठा करता हूँ, उससे लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे तो यार लेवल बढ़ेगा नहीं। यार इतने में एक काम करता हूँ, ऊपर का मुझे जो सेकंड फ्लोर का काम करना था ना, मैं वो कर लेता हूँ, क्योंकि थैश और वुड है मेरे पास अभी काफी। तो एक तो राइट साइड का स्ट्रक्चर बनाना था मुझे, इसके लिए क्या चाहिए, फाइबर। फाइबर नहीं है मेरे पास, ये रहा। तो दो ये, एक मिनट, ये अपना मुझे स्लोप्ड वॉल बनानी है। वॉल कहाँ पे है इसमें, ये रही। यार मुझे स्लोप्ड ये वाली रूफ क्राफ्ट करनी है बहुत सारी, 13 तो लगी जाएंगी कम से कम। और इनको मैं ना चल के ऊपर लगाता हूँ पहले। साथ में यार एक चीज़ और चाहिए थी मुझे, वो थी, अरे लेवल अप हो गया यार, क्राफ्ट करने से बड़ी जल्दी लेवल अप हो रहा है। तो मेरा लेवल लगेगा यार, वेट मैं अपना ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि अब मैं डायनासोर्स यूज़ कर रहा हूँ, तो अपना वेट मैं इतना नहीं बढ़ाऊंगा। क्योंकि यार अपना वेट अगर मैंने बढ़ा दिया ना, तो फिर भाई ये उड़ने वाले डायनासोर को दिक्कत आएगी। तो मैं लगाता हूँ यार हेल्थ में, क्योंकि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है अभी। और मुझे यार दो ये भी क्राफ्ट करने हैं अभी, दो। चलो भाई ऊपर चल के काम, चलो यार ऊपर चल के काम स्टार्ट करता हूँ मैं। तो अपनी यार इसे पहले निकाल दूँ मैं ये भाई, नहीं तो यहीं फंस जाएगा फिर। फॉलो वन,
आजा भाई नीचे आ तू इसके पास आ इधर। अरे अरे भाई 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 तो दर्जा नीचे इसकी इन्वेंटरी देखता हूँ मैं। अरे इसका लेवल अप हो रखा है, वेट करूंगा मैं और वेट। इसके पास काफी है यार, मैं सोच रहा इसके पास नहीं है खाना तो इसको मैं हाफ कर देता हूँ, स्प्लिट स्टैक हाफ। और मैं हाफ देता हूँ भाई दूसरे वाले को क्योंकि भाई इसके पास कुछ नहीं है अभी। इसके पास भी अभी भाई इसकी हेल्थ कितनी है भाई, 530 हेल्थ मिली है मुझे पहले से, 187 स्टेमिना। इसका भी मैं वेट में ही लगाऊंगा सारे पॉइंट्स कि भाई ये अपने सामान ढोने के लिए हैं सारे, इनका और कोई काम नहीं है। अटैक वगैरह के लिए ये इतने कामयाब होते नहीं है। अब भाई सेकंड फ्लोर को कंप्लीट करके फिर चलते हैं आगे। तो भाई देखो ऐसे मैं ऊपर के रूफ बनाना चाह रहा हूँ, इसके लिए मुझे दो चीज़ें लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये लगेगा अपना प्लेस, अरे लग जा ये लग गया ठीक है, ये दो लग गए। इनके बीच में अब आएगा नॉर्मल वाला, यार नॉर्मल था ही नहीं मेरे पास। कोई नहीं भाई पहले मैं ना ये लगा लेता हूँ, तो ये कोई इस तरीके से लगेगी। देखो भाई मस्त लग रही है मुझे तो देखने में ठीक है। ये लग गई यहाँ पे और ये आ गई यहाँ पे, सेम हो जाएगा भाई अपना इस तरफ भी। और इस तरफ एक दिक्कत ये हो रही है यार, ये दीवार ऊंची नीची हो रही है यार, इसमें दीवार बराबर क्यों नहीं बन रही है। अरे मुझे दीवार बना के लानी पड़ेगी ना, रुक जा रुक यार, मैं पहले दीवार बना के लाता हूँ। मुझे कितनी दीवारें चाहिए और सीलिंग भी तो चाहिए, सीलिंग चाहिए यार। एक दो एक मिनट में गिन लेता ना, तो एक दो तीन चार, चार चार आठ, आठ सीलिंग चाहिए मुझे और दो तीन दीवारें चाहिए। मैं सब कुछ पहले ही बना के लेके चलता हूँ, बार बार नीचे आना पड़ता है नहीं तो। आठ सीलिंग चाहिए मुझे और वॉल्स चाहिए मुझे एक दो तीन, ठीक है तीन वॉल और बाकी सीलिंग। और मुझे कुछ आगे लगाने के लिए भी चाहिए, मतलब जैसे कि मैं देख लेता हूँ एक बार, जैसे घर के बाहर जाली होती है ना उस तरीके का, यार वुडन रेलिंग है यहाँ पे। ये बनती कितने में यार, सस्ती बनती होगी वुडन रेलिंग तो। इसके लिए क्या चाहिए, वुड चाहिए ठीक है भाई, काम चल गया अपना। भाई मेरे में वेट इतना ज्यादा हो गया भाई, अभी स्लो मोशन में ही भागे गए थे, का वेट थोड़ा सा कम है सर। मैंने काफी विंडोज तो दिए यहाँ पे, देखो दो खिड़कियां इधर है, ये दो खिड़की इस तरफ है और दो ही मुझे वैसे इधर भी बनानी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, पहले मैं ऊपर का कर लेता हूँ काम कंप्लीट। और मैंने यार एक आइडिया और सोचा है कि ये ऊपर बने गई, लेकिन ऊपर ना एक जगह बनाऊंगा जहाँ पे कि अपने उड़ने वाले डायनासोर को मैं उतार सकता हूँ डायरेक्ट, मतलब कि मुझे नीचे नहीं उतारना पड़ेगा इनको, मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उतारूंगा और सीढ़ियों से मैं नीचे आ जाऊंगा। तो वो कुछ यहाँ से बनेंगी सीढ़ियाँ, वो बाद का काम है, उससे पहले मैं रूफ बनाता हूँ। तो ये आगे इधर या इसके साइड में नहीं लग रही, ये पता नहीं क्या इसमें ग्लिच सा हो रखा है, कहीं पर दीवार लग रही है कहीं पर नहीं लग रही, ये मेरे ना समझ में नहीं आ रहा। इन दोनों के बीच में लगी नहीं रही भाई, पता नहीं क्या ग्लिच है इसका। पारी है भाई सेम इस तरफ की, एक दो, दो ही लगा रहा हूँ अभी क्योंकि आगे की दीवार अभी यार बनी नहीं है। उसके बाद अपने आ जाएंगी सीलिंग, सीलिंग अपनी डायरेक्ट लग जाएंगी इसमें। भाई ये क्यों नहीं लग रही भाई, तो क्या दिक्कत है। अब यार ये सीलिंग नहीं रख पाती क्या इसके ऊपर, यहाँ पे लग रही है, मुझे लग रहा है सामने दीवार लगानी पड़ेगी पहले। अब लग रही है, मतलब कि मुझे एक दीवार चाहिए पहले, उसके बाद ये आराम से लग रही है, एक दो तीन चार। भाई मुझे तो काफी बढ़िया लग रहा है ऐसे देखने में। और ऊपर ना इसमें कुछ लाइट का सिस्टम लगाना पड़ेगा ठीक है, यहाँ तक और ये इधर ये इधर ये इधर ठीक है, पूरी हो गई अपनी दीवार। और यहाँ तक ही रखूंगा इस घर को मैं, ये देखो कुछ ऐसा लुक आएगा। अबे भाई रुक जा रुक जा, तो कुछ ऐसा लुक आएगा और सामने ना थोड़ी सी बालकनी बना दूंगा मैं। तो मुझे चाहिए कुछ वॉल्स, भाई बहुत खर्चा हो रहा है, फाइबर वाइबर सब खत्म होने वाला है। तो एक दो तीन चार, चार मैंने वॉल और बना ली, साथ में अपनी ये सारी चीजें भी बनी पड़ी है। स्लोप वाली रूफ की तो जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, रात होने वाली यार, जल्दी काम कंप्लीट करना पड़ेगा। एक दीवार तो अपनी इधर वाली रह गई थी ठीक है, ये आ गई। और इधर अपना वो लगेगा दोबारा से, क्या बोलते हैं ये प्लेस, एक इस तरफ आएगा, एक अपना इस तरफ आएगा, पर अभी नहीं लग पा रहा, इस तरफ का भी रहने देता हूँ मैं। उसके बाद भाई अब बारी है अपनी फ्लोर को एक्सटेंड करने की। यार मैंने दो ही बनाए थे, मुझे लगा तो मैंने ज्यादा बनाए थे। ठीक है कुछ इस तरीके से बालकनी हो गई यहाँ पे बीच में, इसको मैं ओपन ही रखता हूँ यार, मतलब यहाँ पे एक दीवार लगेगी, ज्यादा इसको बंद नहीं करूंगा ठीक है। एक तो इधर आ जाएगी दीवार इधर, अरे यार कहाँ गिर गए। और साथ में मुझे वो भी टेस्ट करना, साथ में यार मैंने एक चीज और बनाई थी जो कि अपनी वुडन रेलिंग, इसको देखता हूँ मैं कैसे लगती है। तो इस तरीके से लग जाएगी ना, अबे यार कहाँ पे लगा दी, एक मिनट उठाने का ऑप्शन आ रहा है इसमें, आ रहा है। तो मुझे लगा नहीं भाई इस तरफ, क्योंकि मैं ना बार बार यहाँ से ऐसे गिर जा रहा था, तो मैं सीधा सीढ़ी से जाऊंगा और एक आएगी सीढ़ी के इस तरफ ठीक है। अब बढ़िया लग रहा है। और ऐसी सेम वुडन रेलिंग अपनी आएगी इस तरफ भी, मैं बना के लेके आता हूँ नीचे से। यार ये यहाँ पे ग्लिच मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे ना दीवार लग नहीं पा रही, मैं दिखा देता हूँ ये देखो, मतलब हाइट कम ज्यादा हो रही है दीवार की, ये तो ये बेस की वजह से हो रही है, पर बेस भी यहाँ से हटके कुछ फायदा नहीं हो रहा, क्या करा जाए यार इसका। ठीक है यार इतना कंप्लीट तो हो गया है, अब इधर का और देखना है कि अगर यहाँ पे लगती है दीवार तो मुश्किल लग रहा है मुझे तो। वैसे यहाँ पे दीवार लग क्यों नहीं रही, अच्छा ये तो लग गया ना, ये ठीक है अब मुझे लगता है कि शायद लग जाए। तो इधर अपनी ये भाई रेलिंग आ जाएगी कुछ इस तरीके से, इसको फाउंडेशन चाहिए, अरे यार ये तो लगेगी नहीं फिर यहाँ पे, कोई नहीं यहाँ पे तो लगानी पड़ेगी। ठीक है यार इतना काम तो हुआ अपना। और मैंने कुछ वॉल्स बनाई थी ना, और तो
एक वॉल तो अपनी आ जाएगी भाई इधर, ठीक है। सामने से तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है, और ये वाली जगह मैं तो खुली रखने वाला हूँ, ऊपर से थोड़ा बहुत बंद कर दूंगा अगर करना होगा तो। सही लग रहा है ऐसे ही खुला हुआ, सामने इतना मस्त व्यू आ रहा है इसमें से। और ये अपना बेड है भाई, बेड से उठती सामने ये व्यू मिल रहा है। एक इधर लेफ्ट साइड में भी ऐसे लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, काफी क्राफ्टिंग कर ली मैंने, अब और ज्यादा मैं यहाँ पे नी टाइम वेस्ट करूंगा। एक इधर ये कम पड़ गया यार, मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके यहाँ पे एक तरीका ढूंढा है कि मैंने यहाँ पे थोड़ी और सीलिंग लगाई, और अब ये यहाँ पे दीवार लग चुकी है तो ये वाला एरिया बंद हो चुका है। और मैं सोच रहा हूँ चारों तरफ ना ऐसे साइड में बालकनी में बना देता हूँ। पहले मुझे देखना होगा इस बालकनी में यहाँ पे वॉल लग जाए, क्योंकि इसके बिना यार बेकार लगेगी। इधर तो लग रही है आराम से, ठीक है, बढ़िया लग रही है। तो चारों तरफ इसके बालकनी रखने वाला हूँ मैं सामने तक। तो मैंने बनाई थी वॉल्स, और यहाँ पे क्यों नहीं प्लेस हो रही है, ये क्या दिक्कत है यहाँ पे? इस वाले एरिया में कोई वॉल ही प्लेस नहीं हो रही। और मैंने एक जीना बनाया जो कि इधर से ऊपर चढ़ेगा, तो वो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जल्दी से। पर अभी ज्यादा क्राफ्टिंग की चीजें हो गई हैं, पर मैं अभी धीरे धीरे ना एक्सप्लोरेशन पे भी जाऊंगा। यार इस तरीके से लग नहीं पा रहा है जैसे मुझे चाहिए। एक मिनट भाई, लग जा। इधर तक ये जीना आ रहा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ इसको ना इधर से सेंटर से लेके जाता हूँ मैं, बस ये उतरते बीच में सिर में तो नहीं अड़ेगा। नहीं यार, यार बढ़िया लग रहा है एकदम, जीने के ऊपर जीना बन चुका है दो फ्लोर का। और ये देखो, पहले मैं यहाँ तक आऊंगा, फिर मैं इधर से घूम के भाई ऊपर भी जा सकता हूँ। एक मिनट, ये हाइट कम कैसे रह गई? अरे मुझे लग रहा है मुझे एक और बनाना पड़ेगा शायद से। इसे एक अपना यहाँ तक आया है ना यार, ये तो काम होता रहेगा। उससे पहले भाई अपना लेवल अप हो चुका है फाइनली, और इस बार मैं स्टेमिना में लगाता हूँ भाई। अब अपना सेडल खुल चुका है, अब मैं उड़ना डांस और भाई अपना उड़ा सकता हूँ फाइनली। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा भाई साहब फाइनली अपना टेरनोडॉन का सेडल अनलॉक हो चुका है। इसके लिए मुझे केरेटिन चाहिए 75। यार अब तो केरेटिन ढूंढना पड़ेगा, केरेटिन है मेरे पास वैसे, यार मैंने केरेटिन यूज कर दिया इतना मेरे पास था ना, 29 29 यहाँ पे पड़ा है मेरे पास। और इसके अंदर है थोड़ा बहुत, नहीं बिल्कुल भी नहीं है भाई केरेटिन। अब मुझे ना कुछ जाके भाई लोगों को मारना पड़ेगा, ऐसे केरेटिन नहीं मिल पाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं है क्या? थोड़ा बहुत तो था यार मेरे पास, इसमें देखता हूँ मैं। अरे है, रुक जा रुक जा रुक जा, इस चाइटिन भी तो केरेटिन का काम करता है। फाइबर चाहिए एक, तो फाइबर चाहिए 125, और केरेटिन 70 हो चुका है, थोड़ा सा और चाहिए बस। मैंने यहाँ पे रखा था, अब ये यूज कर लेगा मैंने। अरे यार ये तो यूज हो गया यार, दो चीजें मुझे चाहिए फाइबर। अरे इसको क्या हो गया, खाना तो खिला दूं। तो यार मैं सोच रहा हूँ फाइबर के लिए ना एक सिकल यहाँ पे बन रही थी, एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ ये रही के लिए, अब इसके लिए 18 मेटल चाहिए, मेटल तो ही नहीं मेरे पास। इतना ज्यादा फाइबर मिलता मुझे, पर अब मैं नहीं ले सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर रखा है मुझे ना यहाँ पे कुछ वो मारने पड़ेंगे टर्टल वगैरह। तो मैं काम करता हूँ अपने इस डायनासोर को लेकर चलता हूँ, तो इससे ना थोड़े से टर्टल वगैरह मार के भाई मुझे केरेटिन मिल जाएगा उससे। और फिर अबे यार तू परेशान क्यों कर रहा है, देखना भाई से साइज दिख रहा है क्या अपना? इधर जहाँ तक है दो तीन घूम रहे थे टर्टल जो भी है। अबे रुक जा रुक जा रुक जा भाई, ट्रेलो बाइट मिल गया दोबारा से, इससे मिलेगा बहुत सारा केरेटिन वगैरह, मतलब चाइटिन जो होता है अंदर। नहीं पानी में कहाँ जा रहा है, पानी में कहाँ जा रहा है, लेवल 29 का है भाई, काफी सामान मिलेगा इससे। यार इधर कहाँ जा रहा है, रुक जा कोई से ना मैं तीर से मारूंगा, आर्चरी करते हैं थोड़ी सी। ये बात इससे मैं जल्दी मर गया ना, मुझे देखना है किससे ज्यादा चीजें मिलती है। इससे काइटिन ज्यादा मिल रहा है ना, ठीक है भाई। 26 35 भाई सारा काम यहीं पे कंप्लीट हो गया अपना इसको भाई। अरे तू इधर कहाँ जा रहा है, इधर आ भाई। दूर से कितना बढ़िया लग रहा है अपना घर। अब देखो तीन विंडोज है ऊपर और नीचे गेट है, सामने बालकनी भी बन चुकी है। और ये इस घर में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये अब स्टार्टिंग स्टार्टर बेस अपना बन चुका है ना, अब इसमें सिर्फ ऊपर स्टोरेज लगा के और फिर मैं भाई चलूंगा यहाँ। फिर भाई यहाँ पे एक्सप्लोर करना है मुझे बस, तो पहले मुझे यार वो बनाना है कांग्या आई। और हाँ एक चीज और चाहिए थी मुझे, फाइबर। अगर फाइबर भी उठा लेता हूँ मैं, तो फाइबर ना बहुत कम इकट्ठा करता है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे सिकल जो थी वो बनानी पड़ेगी मेटल ढूंढ के। उससे यार फाइबर ना ज्यादा मिलेगा और भी, अभी जैसे मुझे ऐसे हाथ से उठाना पड़ रहा है ना, तो 15 15 फाइबर मिल रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं। फाइबर इसमें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रस्सी का काम करता है फाइबर भाई। मैंने अब तक मैप में ना कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करा है, मैं मैप दिखाता हूँ। ये देखो भाई इतना सा मैप देखा है, क्योंकि यार बिना उड़ने वाले डायनासोर के मैप देखना मतलब एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो कोशिश तो ये रहेगी कि यार आज उड़ने वाले डायनासोर से मैं एक बार देखाऊंगा आसपास वाले एरिया में क्या क्या है, कोई अगर डायनासोर बढ़िया सा मिल गया तो उसे पकड़ लूंगा मैं उसी हिसाब से रेडी होकर जाऊंगा पहले से ही। फाइबर भी हो गया, सेडल बना लेता हूँ भाई, मजा आ जाएगा आज तो। तो ये बन गया अपना पहला सेडल, और मुझे एक और बनाना है वैसे, दो मेरे पास डायनासोर है ना, पर उसके लिए अभी चीजें थोड़ी मुझे लग रहा है कम पड़ेंगी। एक बार देख लेता हूँ ये बनने के बाद कितना मेरे पास सामान बचता है। तो हाँ यार केरेटिन खत्म हो चुका है सारा, फाइबर तो चलो मिल जाएगा, और हाइट चाहिए तो एक ही बहुत है अभी के लिए। अरे मेरे वेट इतना हैवी कैसे हो गया, इसमें 20 20 वजन है इसमें भाई साहब। बेरीज की उठा रखी है मैंने बिना बात इतनी सारी। वैसे मुझे ना अपना वेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि वरना इस पे ना दिक्कत आएगी। कौन सा था इनमें से, लेवल 60 हो चुका
चुका है ना एक लेवल 60 वाले को दूंगा मैं सडन। तेजस को लेके चलते हैं भाई उड़ाने। वे एक और लेवल पर रखा है, वेट में लगेगा सारा। क्या चुका है इसका सेडल भाई, फाइनली मैं इसको उड़ा सकता हूँ अब। ये बात भाई, इसने इतना वेट उठा लिया, मेरी इन्वेंटरी भाई फुल है भी, और ये उड़ गया भाई। लेवल 60 होने का कुछ तो फायदा है इसका। और देखो ऐसे हवा में रुक जाता है, लेकिन इसका स्टेमिना कम होता रहता है। स्टेमिना के लिए मैं एक काम करता हूँ, तो ना मैं स्टिम बेरी दे देता हूँ ताकि इसका स्टेमिना मैं बढ़ा सकूँ बीच में उड़ते उड़ते। उसके ना मुझे फिशिंग करानी है। और इसका एक स्पेशल अटैक था ना, वो कैसे होता है पता नहीं है, स्पेशल अटैक होता है इसका एक, लेकिन कर क्यों रहा है ये? अच्छा पानी में नहीं उड़ता है। अरे भाई 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 यार, ये तो मुझे अभी पता चला। तो भाई मुझे फॉलो कर तू। चल ये बात, अब एक काम करता हूँ मैं, इधर लेफ्ट साइड में एक ड्रॉप भी आया हुआ है, पहले अपनी इन्वेंटरी खाली कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ सामान मिल गया काम का तो उसे लेके भी तो आना पड़ेगा। तो भाई इसको यहाँ पे लेके चलते हैं, इसकी इन्वेंटरी करते हैं भाई, मतलब अपनी इन्वेंटरी करता हूँ मैं खाली। और इसको मीट भी खिलाना है वैसे मुझे यार, पर मुझे लगता है मेरे पास अगर, वैसे तो फिश खाता है मेरे हिसाब से तो, पर मीट भी खा रहा है। ठीक है तो काम चल जाएगा इसका अभी के लिए। अरे भाई थोड़ा साइड हो जा, अरे भाई तू भी थोड़ा साइड हो जा, दोनों यहीं पे खड़े। तो एक तो ये मैं वुडन की चीजें रख देता हूँ, भारी भारी भाई, इनमें बहुत वेट होता है। वुडन क्लब का भी कुछ काम नहीं है मुझे। कैरेटिन हाइड फाइबर को रख लेता हूँ, क्योंकि इनमें वेट इतना ज्यादा होता नहीं है। थोड़ा बहुत मैं थैश भी रख लेता हूँ भाई, बीच में ना कुछ क्राफ्ट करना पड़ जाए अगर मुझे, जैसे एरोज मेरे पास कम है ना अभी, एरोज मुझे क्राफ्ट करनी है, 35 एरो कर लेता हूँ। ठीक है इधर। एक चीज और थी मुझे यहाँ पे यार, वो बनाना था, मैं नारकोटिक बना रखा था ना, ट्रैंक एरो बना लेता हूँ। एक डायनासोर तो यार पकड़ूंगा ही रास्ते में अगर मिल गया ना। अब ये देखो भाई ट्रैंक एरो बनेंगे यहाँ पे मस्त। कितने बन सकते हैं, 40 नहीं 15 काफी है, 40 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सारा यार जो जो काम का सामान है मेरे पास, एरोज हो गए अपने, आर्मर भी थोड़ा बहुत तो है ही मेरे पास। इसी के साथ साथ और भी चीजें तो खुली होंगी भाई। अब सोर्ड वगैरह और भाई गन वगैरह बनाऊंगा मैं, मेटल लेने चलते हैं। चलो इतनी ज्यादा स्पीड होगी इसकी, पूरा खाली नहीं हुआ यार अभी भी। किस चीज में वेट सबसे ज्यादा है, बेरीज में है थोड़ा बहुत एक तो, वैसे वाली बेरी कोई खाएगा भी नहीं तो इनको रहने देता हूँ। हाँ ठीक है, 6 महीने उठा लिए। थोड़ा सा मैं वुड लेता हूँ, बिल्कुल जरा सा लेट अमाउंट 10। वैसे इतना भी क्या करना है वुड का, वुड मैं फेंक देता हूँ। इसका 3 वेट है। ठीक है तो सारी काम की चीजें मेरे पास हो गई है। आ जा भाई कहाँ है, पर नीचे के नहीं आ रहे। चलो भाई इसको लेके चलते हैं अब। और स्टेमिना तो काफी है इसका, और ये खा रहा है ना एक बार, मैं देख लेता हूँ मीट 15 पड़ा है इसके में अब तक। मुझे लग रहा है इसको यार फिश ही चाहिए शायद, फूड वैसे इसका फुल दिखा रहा है। फिश पर पकड़ू कैसे यार, पानी में जाता ही नहीं है फिश पकड़ने के लिए। मुझे कोई और डायनासोर चाहिए फिश पकड़ने के लिए यार। इसका स्टेमिना में भी इन्वेस्ट करना चाहिए था भाई, स्टेमिना बहुत जल्दी खत्म हो रहा है इसका। कितना है, सिर्फ 187। इस बार मैं ना इसके स्टेमिना में ही करूंगा इन्वेस्ट भाई। मीट नहीं खा रहा इसको भाई, मछलियाँ चाहिए यार। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कोई मछली पकड़ने के लिए कोई स्पेशल डायनासोर हो इसमें, जो इनके लिए मछलियाँ पकड़ के लाए। ये फिर अगर मैं इसको ऐसी मतलब एनेबल वेंडरिंग करके छोड़ दूँ तो क्या पता ये अपने आप ही पकड़ ले, ये भी मुझे देखना है भाई। मैं ना बहुत ध्यान से जाने वाला हूँ यहाँ पे। ड्रॉप तो है पर आसपास यार कोई है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, मुझे लग रहा है मैंने ड्रॉ डिस्टेंस कम कर रखा है, व्यू डिस्टेंस एपिक रखना है भाई मुझे, वरना दूर के डायनासोर दिखते नहीं है भाई। मुझे सही दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सेफ है भाई। वैसे ऐसा हो कैसे सकता है इतना यहाँ पे, सेफ कैसे हो सकता है? तो भाई इसका स्टेमिना इतने भरेगा, इसको मैं थोड़ी सी बैरीज और खिला देता हूँ, कोई आ रहा है आसपास? सेफ लग रहा है भाई, मैंने एक बार उतर के ड्रॉप लूट ही लेता हूँ फिर, है ना। चलो क्या ड्रॉप में, अरे यार ये सब क्या क्या मिल रहा है, इनका तो कुछ काम ही नहीं है। किरायो पोड मिल रहा है एक तो, पर अरे बनाना पड़ेगा ना ये तो भाई, कुछ नहीं है काम का। भागो भागो यहाँ से भागो। अबे जा भाई रुक जा। तो यार मैं एक बार देख लूँ मैं आया किधर से था, मुझे याद रहना चाहिए। तो उधर अपना बेस है ना राइट साइड में, मैप में देखना पड़ेगा। ये अपना मैप है, जैसे मैं इस तरफ जा रहा हूँ मैं इधर से आया हूँ, ठीक है याद कर लिया मैंने अपना मैप। भाई इसको फिर से उतारना पड़ेगा, इसका स्टेमिना है ही नहीं क्या बिल्कुल भी भाई। भाई वो टीरेक्स है क्या उधर? नहीं नहीं नहीं, अरे उसकी गर्दन उसने नीचे कर रखी थी ना, तो भाई मुझे लगा टीरेक्स खड़ा है भाई। इसमें काफी खतरनाक डायनासोर है ऐसे बताऊँ तो, ये तो मैं भाई इतना डर डर के आगे जा रहा हूँ। तो यार जहाँ तक मुझे लगता है इस पहाड़ के ऊपर भाई मेटल है यार, ये ही मैं बता रहा था कि ये जो येल्लो कलर के पत्थर है ना मेटल के होते हैं शायद। एक बार पास जाके देखना पड़ेगा, अगर ये मेटल हुआ तो भाई फिर तो सही काम हो जाएगा, अपना पास के पास ही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी अपनी। ऐसे मुझे लग नहीं रहा यार ये तो नॉर्मल पत्थर है यार, कौन सा डायनासोर घूम रहा है अंदर। ये मेरे पास स्पाई ग्लास नहीं है, मुझे क्रिस्टल चाहिए ताकि मैं दूर से देख पाऊँ कौन सा डायनासोर है। मुझे ऐसे उतरना ना पड़े बार बार भाई, जंगल कितना खतरनाक। ओ भाई बच गया मैं, वही तो कारण था अभी पकड़ लेता भाई। ये देखो नीचे रहा, इसको टेम करूँ वैसे या इसका मुझे रिक्वायरमेंट नहीं पता इसको क्या चाहिए होता है टेम करने के लिए। मैं अभी कुछ लेके नहीं आया ना ज्यादा, मैं तो सिर्फ एक बोला लेके आया हूँ, तो मैं रैप्टर को तो कर सकता हूँ और एक सार्को को भी कर सकता हूँ, क्योंकि यार वो ना थोड़ा स्लो होता है वो पकड़ा जा सकता। यार ये है मेटल, ये जो येल्लो रॉक सामने दिख रहा है, जो पीला पत्थर है ये भी मेटल है इधर। पर यार इधर मैं नीचे सार्को मैंने देख लिया, तो मैं इधर नहीं उतरूंगा भाई, ऊपर जाकर उतरूंगा थोड़ा। यहाँ उतरना तो भाई, और ये रहा यहाँ पे मेटल है ना ऊपर, और यहाँ पे सेफ भी रहूंगा मैं वैसे, है ना। कोई है ये क्या है भाई इधर, सेफ लग रहा है भाई अभी तो।
भाई मैं मर गया ना गलती से, मैं यहाँ तक वापस आ नहीं पाऊंगा क्योंकि दूसरे डायनासोर के पास सेडल है नहीं अभी। ले भाई मैं बिल्कुल फूक फूक के कदम रख रहा हूँ। भाई मेटल तो बहुत सारा है, ये रैप्टर तो नहीं खड़ा ना इधर। भाई अपने को सिर्फ रैप्टर से डर लगता है इसमें, क्योंकि इसमें स्पीड है भाई बहुत ज्यादा। तो ये क्या है, ये क्या है, एक्सप्लोरर नोट। भाई पता नहीं लेवल अप मिल गया, दो मिल गए एक साथ। एक तो लेवल भाई ये पत्थर खाना है मुझे। अरे मेरा लेवल अप मिला हुआ है, अच्छा। भाई उड़ मत यार, मैं डरा दिया यार, मुझे लगा अरे नीचे कौन सा डायनासोर है भाई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है भाई डर इससे। मेटल कहाँ गया यार, ये मुझे ही गिराया, ये रहा मेटल। इधर इधर अपना ठीक है, सेफ्टी है, मैं सेफ हूँ। मैं यहाँ पे मैं ना ज्यादा मेटल नहीं उठाऊंगा भाई, इन्वेंटरी फुल हो गई ना, उड़ नहीं पाएगा फिर ये। पत्थर गिराओ पहले तो भाई सारे। भाई मेटल तो मिल रहा है बहुत सारा, ये देखो 11-15 है, क्योंकि पत्थर ही पूरा मेटल का है भाई। वहाँ पे तो ऐसा होता था कि स्टोन मिलता था और पत्थर 2-4 मिलते थे मुश्किल से। फिर से लेवल अप हो गया मेरा, मूवमेंट स्पीड में लगाऊंगा वो। बढ़िया जल्दी लेवल अप हो रहा है भाई यार। वेट ज्यादा कैसे हो गया, जल्दी गिरा यार इसे। यार सिर्फ 95 ही मेटल ले आ पाऊंगा मैं यहाँ से, ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार। अयो देखते हैं भाई इस पे बैठ भी पाएगा ये, मुझे लग नहीं रहा वैसे बिल्कुल भी। अब नीचे भाई इसको यार उड़ी नहीं पा रहा भाई ये तो। कितना हो गया वेट, 168 है ना इसकी कैपेसिटी। यार थोड़ा सा मेटल मुझे गिराना पड़ेगा। प्लेट 30 मेटल गिराया तो, और कुछ है मेरे पास हैवी वेट इतना, ये है तो मैंने ड्रॉप करा। अरे इसका लेवल अप हुआ है ना, वेट बढ़ा लेता हूँ उसका, ठीक है। अब मुझे ना इतना ज़्यादा है, अब जहाँ तक है उड़ जाना चाहिए भाई। 163 हो गया ना, उड़ तो रहा है पर अब भी धीरे उड़ रहा है भाई, ये मरवाएगा, क्या करूँ उसका। ये भी गिरानी पड़ेगा भाई। अगर यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत है बस, मुझे ना बार बार आना पड़ेगा यहाँ पे। मैं सही जा रहा हूँ ना, हाँ। तो इतनी दूर मुझे ना बार बार आना पड़ेगा ऐसी मेटल इकट्ठा करने पर। यहाँ पे मुझे मेटल मिल चुका है, अब मुझे सिर्फ एक और चीज़ ढूंढनी है जो है अपना क्रिस्टल, और वो भी यार इधर ही पहाड़ों में मिलता है। और टेम करने के लिए मुझे एक कार्नो भी दिखाया है, जिसके लिए भाई मुझे ट्रैप बनाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा पहले तो कैसे बनता है। भाई रात होने वाली है भाई, लेकिन ये देखो है कितना मस्त भाई है, मतलब इस गेम में कितना सही फिजिक्स बनाई है उड़ने की, तो एकदम ऐसा लग रहा है भाई रियल है बिल्कुल। फर्स्ट पर्सन व्यू में तो और भी ज्यादा रियल लगता है। अबे क्या कर रहा है, ऊपर नीचे क्यों जा रहा है या इसका स्टेमिना खत्म हो गया। भाई बेरी वेरी खा ले, कुछ तो खा ले यार, ये तो बहुत बेकार चीज यार, इसमें स्टेमिना खत्म हो गया तो कहीं भी उतर जाए। ओबे कहाँ खाई है यहाँ पे भाई, यहाँ पे मत उतर, यहाँ पे मत उतर भाई। भाई ये क्या बना हुआ है यहाँ पे नीचे। भाई मैं बच गया अभी, इसका स्टेमिना मैंने वो तो अच्छा हो भाई, मैं बेरी लेके आया था भाई, ये बेरी बहुत काम की निकली है मेरे लिए अभी, क्योंकि अरे वहाँ पे उतर जाता ना तो भाई मैं खत्म था। अब यहाँ पे उतारना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे तो चलो फिर भी सही है भाई, वहाँ पे भाई खाई थी वहाँ पे भाई बहुत गहरी, वहाँ से मैं निकल भी नहीं पाता भाई। फिर कर ले भाई जल्दी स्टेमिना बढ़ा अपना, स्टेमिना में यार बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इससे ना थोड़े बहुत डायनासोर को मारता हूँ तो इसका लेवल अप होगा उससे। एक बार मेटल रखे हूँ मैं, वेट हो रहा है ना इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है अब पहुँच जाएगा सामने तक तो। ओ भाई बिल्कुल अंधेरा हो गया, मेरे पास है कुछ, कर ले भाई पानी पार कर ले तो। तो इसको यार मैं ना अब रात तो हो ही रही है, यहाँ पे 2-4 ना डायनासोर मरवाता हूँ मैं इससे। अब यार साइड हो जा थोड़ा सा, ये कहाँ खड़ा हुआ है यहाँ पे। इसका भी लेवल अप हो गया, इस चीज़ में लेवल अप हो जाता है इनके दिन जल्दी जल्दी। रुक जा भाई मैं कुछ, अब यार मैंने यहाँ पे लाइट जला रखी, मैं वही सोची यार अंधेरा कैसे है। ये बात अब जली ना यहाँ पे लाइट, यार इसमें ऑटोमेटिक लाइट का होना चाहिए ना, बार बार मुझे ऐसे जलानी पड़ेगी जा जाके, तो यार बेकार चीज़ है एक ये भी। अब ठीक है थोड़ा घर तो दिख रहा है, और ऊपर मैंने लाइट अभी तक लगाई नहीं है। मेटल को मैं रख देता हूँ भाई इसमें मेल्ट होने के लिए, 65 मेटल, और इसमें थैश डाल देता हूँ मैं लाइट फायर। तो भाई इससे अरे अरे कहाँ चला गए, वो घर के अंदर आ गए, मुझे लगा फंस गया भाई। भाई घर के अंदर मत घुस यार, फंस गया ये तो। अबे मैं कहाँ फंस गया, ओ भाई वह कौन सी दीवार तोड़ दी मैंने, अच्छा इधर वाली तोड़ी है यार। ये दीवार ना तोड़नी पड़ेगी, ये फंस गया यहाँ पे, अब सही है। अब मुझे देखना था कि मेरे पास कुछ लाइट करने के लिए है क्या, ये है ना। चलो भाई फुल जड़ी लेके चलते हैं, अब यहाँ पे कोई दिखे तो मैं उसे मारूं भाई। कोई छोटा मोटा डायनासोर भी दिख रहा है यहाँ पे तो, अंधेरा कितना खतरनाक है भाई यहाँ पे। बस जहाँ पे मेरी ये टॉर्च है ना सिर्फ वहाँ पे लाइट दिख रही है, और कहीं पे भी लाइट नहीं है। ड्रॉप ड्रॉप, एक मिनट ये वाले मरवाता हूँ पहले तो, स्टार्टिंग इनसे होगी यार। ये डैमेज तो इसका कुछ भी नहीं है ये इतने से भाई, ये डोडो को नहीं मार पा रहा भाई, इसका डैमेज तो खत्म है बिल्कुल। 3 उसमें मारा है इसने डोडो को, पता नहीं उड़े जा रहा है स्पीड में। इसे मार के देखता हूँ मैं, ये क्या है यहाँ पे, ये है ना। मैं रुक जा भाग रहा है, स्टेमिना खत्म इसका। अरे भाई 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 आराम से, कीट है ना इसके पास। एक बार पहले ड्रॉप देख लेता हूँ भाई क्या है ड्रॉप में, कुछ काम का मिल जाए यार। यार यही सब मिल रहा है इसमें ना बार बार, तो मैं क्या करूँगा, ये वेट और बढ़ाता है। वुड वगैरह तो है मेरे पास, स्ट्रक्चर में कुछ मिल रहा है। इसके दोस्त को ही मरवाता हूँ इससे ना, रुक जा हवाई फाइट होगी अब तो। अरे यार उड़ गया ये तो, एक ही काम करना पड़ेगा, इसको ही मारना पड़ेगा अब तो। ये गया, ये भी गया, ओ भाई इसको तो मार दिया था आसानी से। उठा ले भाई मीट, उठा ले अब तो, खाना पीना भी तो जरूरी है इसका। जैसे इसको ना फिश चाहिए होती है, पर मैं इसको मीट खिला रहा हूँ, ये खा रहा है यार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो लेवल अप क्यों नहीं हो रहा, इसको मारता हूँ, ये थोड़ा बड़ा सा डायनासोर है ना। और मैं पानी में उतर गया ये, मैं भाई इधर आ जा तू यार। ओ भाई मेरे
मैं फिर उतर गया भाई, मैं गया, ये तो मैं गया, फिर ये गया। मैं कहाँ मर रहा हूँ यार, हेल्थ तो कम नहीं हुई इसकी ज्यादा, मुझे लगता है अगर ये खुद से लड़ता है उसकी। अबे यार ये उतर क्यों जाता है अपने आप ही यार, मेरे ई दबानी आदत इतनी गंदी पड़ गई ना, कोई और की बनानी पड़ेगी चढ़ने उतरने की। रुक जा बेटा, अब तो गया घूम घूम के। इसके पास एक एडवांटेज है कि इसे जमीन पर उतरना पड़ता, मैं ऐसे घूम घूम के मार देता इनको। भाई मैं डायनासोर पे बैठा हुआ आर दबा रहा था रिलोड करने के लिए, जैसे गन हो ये, इसके ऊपर बैठ के मैं यार तीर कमान नहीं चला सकता यार, ये तो बेकार है। गया, रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है, अब तो स्टेमिना बढ़ा है मेरा, तो भाग रहा है। अबे ये थैश इकट्ठा कर रहा है मुझे लग रहा है। ये भाई इसकी हेल्थ कितनी है, मरीन रहा, मर गया, लेवल अप भी हो गया। रुक जा, इसको मैं पहले हार्वेस्ट कर लूँ यार, मुझे थोड़े बड़े लेवल के डायनासोर मार के इसको लेवल अप कराना पड़ेगा। तो इसका मैं लगाता हूँ यार, वेट में लगाना है, वैसे स्टेमिना में भी लगाना है मुझे, स्टेमिना में कर लेता हूँ अभी। ये क्या है यार, इसको मैं टेम कर सकता हूँ क्या यार, ये किस लिए है, रहेगा मैं। रुक जा, इन्हें बाद पंगे लेने हैं, फिर यहाँ पे ना ऊपर इसका लैंडिंग का बनेगा दोनों के लिए, यहाँ पे कि मैं इनको ऐसे उतार दूंगा, यहाँ पे नहीं ऊपर, यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं उतर रहा है, ये यहाँ पे उतरा करेगा ये। तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, और अब बारी यार अपना मेटल जोन निकला था उससे यार मैं गन वगैरह बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अरे एक मिनट, यहाँ पे कितना 22 मेटल मिला है अब तक सिर्फ यार, ये ना मुझे लग रहा है इतना वो नहीं है, मुझे यहाँ पे इसे स्पार्क पाउडर को यूज़ करना पड़ेगा। फिर देखो वेपन्स, और यहाँ पे वेपन में अपना फायर आर्म, और ये रे अपनी पिस्टल, ये तो सिंपल पिस्टल है, लॉन्ग नेक राइफल। राइफल का मुझे लगता है डैमेज 100% है इस, अबे इनका डैमेज तो सही से बता नहीं रहे लोग। ये क्या है, शॉटगन, शॉटगन की रेंज कम है पर इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है यार, ये सीधा 95 में बन रही है, 60 में बन रही है, सोच रहा हूँ यही बना लूँ डायरेक्ट। और इनकी जो एमओ है उसके लिए भी मेटल चाहिए होगा, मुझे लगता है मुझे ना दोबारा से जाना पड़ेगा। फिर इस एपिसोड में इतने रखते हैं, मेरा बेस भी कंप्लीट हो चुका है, फिर नेक्स्ट एपिसोड से पहले मैं काफ़ी सारा मेटल इकट्ठा करके रखूंगा, और मैं फिर बनाऊंगा शॉटगन वगैरह, और फिर मैं जाऊंगा भाई अपना नेक्स्ट डायनासोर टेम करने। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे कमेंट कर बताना कि मैं कौन कौन से डायनासोर इसमें टेम करूँ स्टार्टिंग में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट शो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।